प्यारी सात संगत जीओ, फतेह दी सांझ करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव महाराज जी की नौवीं जोत, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु हरगोबिंद साहब जी के साहबजादे सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर पांच पुत्र ते एक धी संतान के रूप में उस अकाल पुरख ने रहमत बख्श की। गुरु तेग बहादुर जी जो गुरु हरगोबिंद साहब जी के सब तो छोटे पुत्र सन, इन्हों का जन्म 1 अप्रैल 1621 अमृतसर विच होया, जिथे आज गुरुद्वारा गुरु के महल सुशोभित है। गुरु हरकिशन साहब जी महाराज जिथे शांति सबर ते ज्ञान जगत नूं वंडे रहे, उत्थे नौवीं गद्दी का जिक्र भी सिख जगत नूं दे के गए बाबा बकाले। श्री गुरु हरकिशन साहब जी के मुख तो जो यह शब्द निकले बाबा बकाले, तो उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी को 26 साल हो गए सन भोरे विच रहिंदे। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी, पत्नी माता गुजरी दे नाल नानके पिंड बकाले आ गए। यह एक अटल सच्चाई है कि जिहो जिहा जीवन किसी ने जीविया होवे, उसके विचारों विच भी ओयो जी सुगंधी प्रकट होती है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मोह माया तो रहत भजन बंदगी सहित वैरागमयी समाधि वाला जीवन जीवे। आप जी दे रहन सहन की बिरती न्यारी, भोरे विच ही बैठे रहना, बचपन तो ही भगती भावना अकाल पुरख तो लैके आए सन, क्योंकि उन्होंने पता सी कि उन्होंने एक लंबी तैयारी करनी है, क्योंकि इस देश के कल्याण अते देश की संस्कृति नू बचाउण लई, तां जो देश का धार्मिक पतन ना होवे, इसलिए एक लंबी तैयारी की लोड़ है। धर्म ते परोपकार की खातर जिस संघर्ष च आप सफल होए, संसार विच उसकी मिसाल मिलनी असंभव है। उस वक्त दे सत्ताधारिया ने जो औरंगजेब गद्दी ते विराजमान सी, औरंगजेब दी जबर जुलम इस कदर वध गए सन कि ओ चाहुंदा सी कि देश विच सारे ही मुसलमान हो जाए, सारे ही मुसलमान बन जाए, ता जो कोई भी पंडित या दूजा धर्म प्रफुल्लित ना हो सके। इस गल नूं ध्यान विच रखदिया होया उस दे जबर जुलम बढ़दे गए। उसने मंदिरां ते हमला करवाया, पूजा पाठ बंद करवाया। फिर उसकी नज़र कश्मीर वल गई, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत इलाका सी, जिथे कश्मीर विच पानी दे झरने सोहने वगदे सन, उत्थे ही ज्ञान दे झरने भी वगदे सन, क्योंकि कश्मीरी पंडित बड़े ही विद्वान सन। औरंगजेब ने सोचा जे असी इन्हां कश्मीरी पंडितां नूं मुसलमान बना लिया, बाकी भोली भाली आम जनता नूं काबू करना सौखा हो जाएगा। ऐ सोच के उस वक्त दे सत्ताधारियां ने कश्मीर पंडितां नूं ऐलान कर दिता कि तुसी मुसलमान बन जाओ या मौत नूं कबूल लो। कश्मीरी पंडित नूं पता सी कि साड़ी कित्थे भी सत्या नहीं होनी, साड़े कोल कोई ऐसा हीला नहीं है, साड़े कोल कोई ऐसी मदद नहीं है कि असी इन्हां दा कुछ अगों मुकाबला कर सकिए। ऐही सोच के घबराए पंडित दिन रात दी परेशानी नूं झेलदे होए अपने धर्म नूं बचाउण दी खातर कृपा राम की अगवाई हेठ 39 पंडित आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए। गुरु तेग बहादुर जी अगे बेनती की, गरीब निवाज रहमत करो, साढ़े ते दया करो, साडा धर्म बचाउण का कोई हीला करो।
गुरु साहिब जी ने सारी गलबात उन्हां दे मुखों सुनी ते किसी डूंगी सोच विच चले गए। गुरु साहिब जी नूं सोचदिआं होइआं उत्थे गुरु गोबिंद राय जी आए। उन्हां ने पुछिआ, पिता जी तुसीं इन्ने चिंता विच क्यों डुब्बे हो? तां गुरु तेग बहादुर जी ने दस्सिआ कि कश्मीरी पंडतां दा धर्म संकट च है, क्योंकि उन्हां नूं जबरन धर्म बदलण लई मजबूर किया जा रहा है ते इस काम नूं रोकण लई किसी महान महासंत पुरख की कुर्बानी की लोड़ है। तो गोबिंद राय जी कहन लगे, जे सब कुछ किसी महान संत पुरख की कुर्बानी तो बच सकता है तो आप तो वड्डा कोई महान पुरख कौन हो सकता है? गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा, जाके औरंगजेब को कह दो जेकर गुरु तेग बहादुर नू इस्लाम के दायरे विच ले आए तो असी सारे ईन मनन लई तैयार हाँ। गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हां नू पक्कियां कीता कि तुसी अपनी गल ते अडिग रहना तां जो मैं इस गल दे फैसले नू निपेट सका। गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गोबिंद राय नू गुरगद्दी सौंपी ते गुरगत्ता गद्दी बख्श कर दे पंज सिखां समेत दिल्ली वाले पासे रवाना हो गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भाई जैता जी नू कहा कि तुसी एक काम करना कि साडा सीस दी संभाल तुसा करनी है ते एक सिख नाल मिल के लखी शाह वणजारे दा साथ देना, जिवें किवें हो सके साडे धर दी भी संभाल कर लैना। गुरु साहिब ने दिल्ली वल चाले पा दिते। तीन सिख गुरु तेग बहादुर जी ने अपने नाल रखे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी। दिल्ली बढ़दिया ही गुरु पातशाह की गिरफ्तारी हो गई। इतिहास कहता है कि 1.5 दिन गुरु साहब कैद विच रहे। अगले दिन टंडोरा पिट के दिल्ली दे लोग सदे गए एक चौंक जिसका नाम उदो चांदनी चौंक सी, वो आज भी चांदनी चौंक है। सब तो पहला काजी भाई मतीदास जी नूं कहण लगे, भाई मतीदास जी तेरे ते बादशाह बहुत खुश हैं, तैनू पंजाब दा सूबेदार बनाउण लगे हैं, तैनू पूरा अपना खजाना पैसा देण लगे हैं। बस तू एक काम तैनू करना है कि तैनू एक गल कहनी पवेगी कि मैं गुरु दी सिक्खी छड्डी। भाई मतीदास ने कहा, काजी मतीदास जी जबान ते चीरी जा सकती है पर मैं ऐ नहीं कह सकता कि मैं सिक्खी छड्डी। भाई मतीदास नू फट्टियां विच बन के सिर तो लैके पैरां तक चीर दिता गया। भाई साहब नू जो चीरिया गया तां जपजी साहब का पाठ भाई साहब कर रहे सन। अंत तक जो चीर के दो फाड़ हो गए तां भी उन्हां दे जिस्म विचों जपजी साहब के संपूर्ण पाठ की आवाज़ आ रही सी। उस तो बाद हुण भाई सतीदास वल काजी आके बोलिया। सतीदास नूं भी काफ़ी लालच दिते गए पर सतीदास डोले नहीं, उन्हां नूं रूह विच लपेट के अग लगा दित्ती गई। भाई दयाला जी नूं भी उबलदी देग विच बिठाया गया ते भाई दयाला जी भी शहादत दा जाम पी गए। हुण औरंगजेब ने कहा, काजी जी गुरु तेग बहादुर जी दे सिख नहीं डोले तां गुरु तेग बहादुर जी ने कित्थों मनना है? ते मैं अपनी इज्जत बचाउणा चाहुंदा हाँ, क्योंकि मैनूं पता है कि गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं मनना।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਝੂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਝੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੰਝੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਝੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀਓ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੰਝੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲਾਦ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਚੌਕਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਪਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸੋਗ, ਹੈ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਿਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੋਦਾਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ।